चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एसएमएस अस्पताल में विधायक कालीचरण सराफ का चल रहा इलाज। विधायक कालीचरण सराफ की तबियत अब स्थिर है, मल्टीपल डिजीज के चलते आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है। विधायक कालीचरण सराफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया है, 6 सदस्य बोर्ड करेगा कालीचरण सराफ के स्वास्थ्य की निगरानी। डॉक्टर संदीप माथुर, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर शैलेश दीक्षित के निर्देशन में ये इलाज चल रहा है। तो कल देर रात अचानक चक्कर आने के कारण सराफ को भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कालीचरण सराफ की तबियत बिगड़ी, नासाज हुई और इसके बाद अब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है विधायक का। कालीचरण सराफ की जो अब तबियत है वो स्थिर बताई जा रही है, मल्टीपल डिजीज के चलते आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है। कालीचरण सराफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया है, 6 सदस्यीय बोर्ड कालीचरण सराफ के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। डॉक्टर संदीप माथुर, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर शैलेश दीक्षित के निर्देशन में ये इलाज चल रहा है। और सहयोगी सचिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी, क्या अचानक कैसे तबियत बिगड़ी थी और अभी किस तरह तबियत बताई जा रही है? शाम को देर रात विधायक कालीचरण सराफ मार्गिनेटर विधायक, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी थी। कह सकते हैं कि उनको चक्कर आने के कारण एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस वक्त उनका मेडिकल आईसीयू के मेडिकल वार्ड में उनका इलाज जारी है और उनकी स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय जो टीम है, मेडिकल बोर्ड है, उसका गठन किया गया है। उसमें 2 मेडिसिन के कह सकते हैं मेडिसिन के डॉक्टर्स को रखा गया है, 2 कह सकते हैं न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को रखा गया है, 1 नेफ्रोलॉजी के है और 1 एंडोक्राइनोलॉजी के भी डॉक्टर है। उनका बोर्ड यहाँ पर गठन किया गया है जो अब का विधायक कालीचरण सराफ के स्वास्थ्य की कह सकते हैं कि निगरानी जो है वो रखेगा। देखिए, मल्टीपल डिजीज जो है वो कल विधायक कालीचरण सराफ को हुई है। कह सकते हैं कि मेडिसिन न्यूरो का मामला है, न्यूरो के डॉक्टर्स भी जो है उनकी निगरानी कर रहे हैं और कह सकते हैं कि उन बीपी की जो शिकायत है वो भी उनकी बताई जा रही है कि बीपी बिगड़ने से भी उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी थी। आज सुबह जो मंत्री है उटाराम देवासी, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की थी, उनकी कुशल क्षेम जो है वो जानी थी। फिलहाल विधायक कालीचरण सराफ की जो तबीयत है वो इससे बताई जा रही है और उनका इलाज मेडिकल आईसीयू में जारी है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस जानकारी के लिए।